नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आवाज़ की तबाही, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन प्रोफेसर काले को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और गाड़ी विभिन्न सड़कों से होती हुई पुराने शहर में आकर रुक गई। अपहरणकर्ताओं ने प्रोफेसर काले को नीचे उतार दिया। तुम्हारी जान खतरे में है काले, और इस वक्त तुमको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, सुपर कमांडो ध्रुव। ये रहा उसका फ़ोन नंबर। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है काले, बच सकते हो तो बच लो। 10 मिनट का समय? सिर्फ 10 मिनट? दूसरी तरफ घर में बैठे ध्रुव के दिमाग में कई प्रश्न घूम रहे थे। क्या बात है भैया, सिर दर्द हो रहा है? तुम्हारा सिर दबा दूं या कोई बाम लगा दूं? अरे अरे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बड़ी चापलूसी कर रही है। अच्छा बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा था। जाओ, मुझे नहीं दबाना सिर वेर। अच्छा, अब गुस्सा थूक दे और बता भी दे कि तुझे क्या चाहिए। मुझे 2000 रुपये चाहिए। 2000? इतने पैसों का तू क्या करेगी? मैं एक नई चीज़ बना रही हूँ भैया, ध्वनि प्रदूषण दूर करने के लिए एक ईयर प्लग। अभी मैंने एक कम चलाऊ प्लग बनाया है, पर अभी इसमें कई चीज़ें और लगानी है। मुझे इसी के लिए पैसे चाहिए। वाह, पर तेरा ईयर प्लग काम कैसे करता है? सिंपल, ये ज़्यादा तेज आवाज़ों को इतना धीमा कर देता है जिससे कान और दिमाग को नुकसान ना पहुँचे। इसको लगाने के बाद अगर रेल का इंजन तुम्हारे कान के पास सीटी मारेगा तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे कोई बिल्ली धीरे से गुर्रा रही है, पर धीमी आवाज़ तुमको वैसी की वैसी ही सुनाई देगी। सच में, अब तो तू ये प्लग बेचकर करोड़। ट्रेन ट्रेन, हेलो, ध्रुव स्पीकिंग। ध्रुव, मैं प्रोफेसर काले बोल रहा हूँ, पुराने शहर के महावीर चौक से। अभी कुछ गुंडे मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। उन्होंने मुझे 10 मिनट का समय दिया है। 10 मिनट का समय? पर क्यों? पता नहीं, लेकिन वे कह रहे थे कि सिर्फ तुम ही मुझे बचा। प्रोफेसर अब कभी नहीं बोलेगा बच्चे, उसके 10 मिनट खत्म हो चुके थे। मैंने उसका क्रियाक्रम और दाह संस्कार भी कर दिया है। मामला कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत पुराने शहर पहुंचना होगा। अरे भैया, कहाँ चल दिए? मेरा ईयर प्लग तो देते जाओ। ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ध्रुव का दिमाग कहीं और था। पुराना शहर, अभी चैंपियन किलर ने मुझे नताशा के पीछे वहां पर बुलाया था, और अब ध्वनिराज ने। लगता है पुराना शहर अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। ध्रुव को पुराने शहर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये रहा महावीर चौक, एक टेलीफोन बूथ वहाँ पर है। वहीं से मुझे प्रोफेसर काले ने मुझे फ़ोन किया होगा। पर टेलीफोन बूथ में पहुँचते ही ध्रुव स्तब्ध रह गया। बूथ के फर्श पर चित्रों को पहचानना ज़्यादा कठिन नहीं था। ये तो वही कपड़े हैं जो प्रोफेसर काले ने सुबह पहने हुए थे। हाँ लड़के, तुम इस समय प्रोफेसर काले के जिस्म का ही चूरा देख रहे हो। ध्रुव तेजी से घूमा। ध्वनिराज, ये मेरे और मेरे प्लान के बीच में रास्ते का रोड़ा बन गया था, ठीक तुम्हारी तरह। इसलिए इसको सजाए मौत मिली, और अब तुमको भी वही सजा मिलेगी। तुम भूल रहे हो ध्वनिराज कि कल रात को भी तुम्हारे पास यही हथियार था, और उसके बावजूद मैंने तुमको मात दी थी। और इस हत्या के बाद तो तुमको जाने देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कल रात को तो तुम पुलिस के आने से बच गए थे, और कल रात मैंने तुम पर अल्ट्रासोनिक सीटी का इस्तेमाल भी नहीं किया था। इस सीटी के बजने के बाद तो घुटनों के बल दया की भीख मांगता मेरे पास आएगा। ध्वनिराज के शरीर पर फिट अल्ट्रासोनिक यंत्र से बहरा कर देने वाली ध्वनि तरंगें निकलने लगी। पास बैठा एक कुत्ता चीख कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रही। श्वेता के ईयर प्लग वाकई कमाल की चीज है। ये क्या, तुम पर मेरी सीटी का कोई असर नहीं हुआ? सीटियों का मुझ पर असर नहीं होता, वैसे भी सीटियां बजाना तुम जैसे लफंगों का काम है। भड़ाक, ओह, अब मैं मुसीबत में हूँ।
मेरी सीटी का इस पर असर नहीं हुआ और मेरे दूसरे वारों को ये उछल उछल कर बेकार कर देता है। इसलिए अब मुझे अपना निशाना बदलना पड़ेगा। एक दो बारों के बाद ही ध्रुव को ध्वनिराज का प्लान समझ आ गया। ये मुझे उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ धकेलना चाहता है, पर क्यों? इस क्यों का जवाब ध्रुव को जल्द ही मिलने वाला था। अब तू एकदम ठीक जगह पर पहुंच गया है छोकरे। ध्वनिराज के हाथों से एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग निकलकर पुरानी और जर्जर इमारत से टकराई। कड़ाक और एक गड़गड़ाहट के साथ पूरी इमारत ध्रुव के सिर पर ढहने लगी। भागने का ना कोई रास्ता था और ना ही बचने की कोई जगह। धूल के बादल चारों ओर छा गए। एक के बाद एक अनगिनत टुकड़े जमीन पर गिरते रहे और थोड़ी देर बाद जहाँ पर ध्रुव खड़ा था वहाँ पर पहाड़ जैसा बिल्डिंग के मलबे का ढेर था। इस हादसे में किसी का भी जिंदा बच पाना असंभव था। मार दिया, मैंने ध्रुव को खत्म कर दिया, अब मेरा रास्ता एकदम साफ है। और थोड़ी देर में घटनास्थल से दूर जाती कदमों की तेज आवाज के बाद ठक ठक सब कुछ शांत हो गया। मरघट के सन्नाटे जैसा शांत, ये शांति कुछ देर तक बनी रही। फिर मलबे के ढेर के ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे सरकने लगा और उसमें से एक हाथ बाहर निकला और फिर पूरा शरीर। ओ, एक एक इंच करके बाहर निकलने में बहुत समय लग गया। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि लोहे के पुराने सीवर पाइप यहाँ पर पड़े हुए थे और जैसे ही इमारत गिरनी शुरू हुई वैसे ही मैं इस पाइप में घुस गया था। बेचारा खुद तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर इसने मुझे बचा लिया। एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ। अब ध्वनिराज मुझे मरा हुआ समझकर अपने प्लान पर काम करना शुरू करेगा और तब हमको पता चल सकेगा कि आखिर उसका मकसद क्या है। झर झर, ध्वनिराज का मकसद विचित्र था। आज की रात मैं राजनगर वासियों को एक ट्रेलर दिखाऊंगा, राजनगर के विनाश का एक छोटा सा ट्रेलर। और उसके बाद अगर मुझे 50 करोड़ रुपए ना दिए गए तो मैं पूरे राजनगर को तबाह कर दूंगा। आज की रात से पूरा राजनगर मेरा बंधक होगा। ये विनाश आप अल्ट्रासोनिक तोप से करेंगे ना ध्वनिराज? नहीं, अल्ट्रासोनिक तोप का इस्तेमाल मैं बाद में करूंगा। एक छोटे से बक्से जैसे यंत्र पर ध्वनिराज ने कुछ नॉब घुमाई और उसमें से दो ध्वनि तरंगे निकलकर दो अलग अलग स्थानों पर केंद्रित होने लगी। सर, आज की रात राजनगर में विनाश फैलेगा। आज की रात राजनगर में विनाश फैलाएगा मेरा सेवक कर्कश। विशुद्ध ध्वनि ऊर्जा से बना एक जीव, यह जिस चीज को भी छू लेगा वो चीज धूल में मिल जाएगी। और इस पर गोली, बम, रॉकेट, मिसाइल, एटम बम कुछ भी असर नहीं कर सकता। कर्कश को मेरे अलावा और कोई भी खत्म नहीं कर सकता। राजनगर के लोग इस विनाशकारी जीव के जन्म से अनजान थे। ओ, यूक्लिप्स और प्रोफेसर काले के अपहरण की खबरें तो हमको मिल चुकी थी, पर हमको ये पता नहीं था कि ध्वनिराज ने प्रोफेसर काले की विभत्स हत्या कर दी है। आज की रात जरूर कुछ भयंकर घटने वाली है। मुझे अभी से इसका आभास हो रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, आज मैं शहर के हर कोने पर पुलिस पार्टियों को तैनात कर दूंगा। और उसी रात, अब तो बातें भी खत्म हो गई और नींद भी आ रही है यार। राघव, उधर देख, ये हवा में चिंगारियां कैसे उड़ रही है। देखते ही देखते चिंगारियां एक भयानक आकृति में बदल गई। ये क्या है? मुझे क्या पता, मैंने साइंस थोड़े ही पढ़ी है, लेकिन ये फ्लाई ओवर की तरफ बढ़ रहा है। कर्कश ने फ्लाई ओवर के एक खंभे को पकड़ा और हजारों टन का बोझ सह जाने वाला फ्लाई ओवर पतले तार की तरह कांपने लगा। थर्र, फ्लाई ओवर के अलग अलग हिस्से टूट टूट कर गिरने लगे। ये तो तोड़ फोड़ कर रहा है, हमें इसको रोकना चाहिए, गोली चलाओ। लेकिन सभी गोलियां बगैर किसी रुकावट के कर्कश के शरीर से पार हो गई। ये तो लगता है कि हवा का बना हुआ है, इसको रोकना हमारे बूते की बात नहीं है। हेडक्वार्टर को खबर करो। हेडक्वार्टर में सूचना पहुंचते ही हड़कंप मच गया। क्या कहा? वो लोधी फ्लाई ओवर तोड़ने के बाद विजय स्तंभ की तरफ गया है,
हम अभी वहां पहुंचते हैं। चंदेल, हमारी स्पेशल पुलिस स्ट्राइकर फोर्स को तैयार करो। विजय स्तंभ के पास रात के समय इस समय इक्का दुक्का सोने वालों के अलावा और कोई नहीं था, और सड़क पर सोने वाले खतरे को सूंघना अच्छी तरह से जानते थे। विजय स्तंभ के पास पहुंचकर कर्कश ने अपना एक हाथ उठाया और उसका हाथ लंबा होता चला गया। हाथ मीनार के ऊपर दबा और मीनार कागज के लिफाफे की तरह पिचकती चली गई। कड़म सर, वो देखिए। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ऐसे खतरनाक प्राणी को जरा से भी ढील नहीं मिलनी चाहिए। इस पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला करो। टैंकों को भी भेद देने वाले रॉकेट कर्कश की तरफ लपके, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए कर्कश के ऊर्जा से बने शरीर के आर पार हो गए। नुकसान पीछे वाली दीवार को हुआ, साथ ही साथ कर्कश का हाथ लंबा हुआ और अगले ही पल सिपाहियों को अपने शरीर में हजारों वोल्ट बिजली सा कंपन दौड़ता महसूस हुआ और एक चीख के साथ सभी सिपाही बेहोश हो गए। कर्कश इंस्पेक्टर की तरफ घूमा। इंस्पेक्टर ने ऐसा डरावना जीव अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। डर के मारे उसके पैर मानो भारी हो रहे थे। वैसे भी वो कर्कश से बचकर भाग नहीं सकता था। कर्कश का हाथ उसकी तरफ लपका, धर, और आंख मूंद कर भगवान को याद कर रहे इंस्पेक्टर को अपना शरीर हवा में उड़ता महसूस हुआ। उसने आंखें खोली। ध्रुव का चेहरा उसको सचमुच भगवान जैसा ही लग रहा था। ध्रुव, तुम यहां पर कैसे? मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को भेजे जाने वाले मैसेज अपने ट्रांसमीटर पर भी सुन लिया था, पर ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। अभी मुझे इस मुसीबत को रोकना है। पर ये है क्या? जितना ध्रुव कर्कश को देखकर चकित था, उससे कहीं ज्यादा ध्वनिराज ध्रुव को देखकर चकित था। ये जिंदा बच गया, पर कैसे? ये तो मेरे सामने मलबे में दब गया था। ये ऐसे कई बार जिंदा बच चुका है। इसके पास जरूर कोई दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति हो या शैतानी ताकत, ये कर्कश से बच नहीं पाएगा। मुझे इसको रोकना तो है, पर मैं इसे रोकूंगा कैसे? ध्रुव ने कर्कश का पहला वार बेकार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि उसकी मोटरसाइकिल जमीन को वापस छू पाती, कर्कश का दूसरा हाथ लहराया कड़ाक। ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि कर्कश का हाथ उसके बजाय उसकी मोटरसाइकिल पर लगा, पर इसके बावजूद उसके शरीर में कंपन का तेज झटका लगा। ओ, पल भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरे सारे अंग टूटकर गिर जाएंगे। ये आखिर चीज क्या है? ध्रुव, भागो, हम इस जीव से नहीं निपट सकते। नहीं इंस्पेक्टर, इसको किसी भी तरीके से और विनाश करने से रोकना होगा, वरना ये पूरे शहर को मलबे का ढेर बना देगा। लेकिन कर्कश ध्वनि ऊर्जा से बना प्राणी था और उस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता था, जबकि कर्कश के वार का असर हर चीज पर होता था। इसके दूसरे वार ने तो मेरी ताकत लगभग खत्म ही कर दिया है। अब अगर इसने मुझे एक बार और छू लिया तो फिर मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। पर इसकी सारी ताकत के बावजूद इसमें कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी जिससे इसे रोका जा। एक मिनट, इसके दोनों बाजुओं के अंत में ये गोले कैसे हैं? ये तो साफ लग रहा है कि ये प्राणी एनर्जी का बना है, और मेरे ख्याल से ये दोनों गोले इसके शरीर के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिजली या बैटरी में होते हैं। और अगर इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये जीव खत्म हो जाएगा। इस थ्योरी को मैं अभी टेस्ट कर लेता हूँ। ध्रुव ने मीनार के मलबे में एक लोहे के सरिये को खींचकर मोड़ दिया और उसको अपनी बेल्ट से पकड़ लिया। कर्कश के दोनों हाथ एक बार फिर ध्रुव की तरफ लपके, और ध्रुव ने फुर्ती के साथ सरिये के दोनों सिरे अपने निशानों से सटा दिए। रोशनी का एक तेज झमाका हुआ और कर्कश गायब हो गया। फचाक! साथ ही साथ इस शॉर्ट सर्किट का असर कहीं दूर तक हुआ। कड़ाक! ये क्या? कर्कश के साथ साथ उसको पैदा करने वाला मेरा ये यंत्र भी शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि ये ध्वनि तरंगों के जरिए कर्कश से जुड़ा हुआ था। अब हम कर्कश को दोबारा पैदा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ, कमाल है ध्रुव, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे प्राणी को नष्ट भी किया जा सकता है।
अभी खुश होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस जीव को ध्वनिराज ने यहाँ पर भेजा था, इसलिए जब तक मैं ध्वनिराज को पकड़ नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो रात बगैर किसी और घटना के बीत गई। लीजिए आगे कंजूस मक्खी जूस। कंजूस? मैं कंजूस हूं? नहीं होते तो मुझे 2,000 रुपये ना दे देते? ना तो रुपए देते हो और ना ही मेरा ईयर प्लग वापस करते हो। तेरे ईयर प्लग से अभी मुझे कुछ काम है। और रही पैसे की बात, तो मैं अभी रेनू को फोन कर देता हूँ, तू जाकर उससे पैसे ले लेना। ओके, तो ये लो फोन। 1 मिनट, न्यूज़ सुन लेने दो। कल रात को राजनगर में एक अजीबोगरीब प्राणी ने एक फ्लाईओवर के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व वाले विजय स्तंभ को भी ध्वस्त कर दिया है। लेकिन मशहूर हीरो सुपर कमांडो ध्रुव ने वक्त पर घटना स्थल पर पहुंचकर इस प्राणी को नष्ट कर दिया। अच्छा, तो कल रात को तुम चुप, इस घटना के पीछे किसका हाथ? अरे एकाएक डिस्टरबेंस क्यों आने लगा? डिस्टरबेंस के साथ ही न्यूज रीडर का चेहरा गायब हो रहा था और उस पर एक नया चेहरा उभर रहा था। ध्वनिराज। राजनगर के वासियों, मैंने ये प्रसारण तुम लोगों को एक जरूरी संदेश देने के लिए रोका है। कल रात राजनगर में तबाही फैलाने वाला प्राणी मेरा सेवक कर्कश था, और इस समय मेरे अल्ट्रासोनिक तोप तुम्हारे राजनगर पर सधी हुई है। अपने एक इशारे से मैं राजनगर की हर इमारत को धूल में मिला सकता हूँ, और अगर कल सुबह तक तुम लोगों ने मुझे 50 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं ऐसा ही करूँगा। तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए अब से 1 घंटे बाद मैं अपने अड्डे पर बैठे बैठे सिटी हॉल को नष्ट कर दूंगा। गुड बाय राजनगर वासियों। ओ माई गॉड, ये आदमी वाकई पागल है, मुझे इसे हर कीमत पर रोकना होगा। अरे भैया मेरे पैसे, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ये जरूर इस ध्वनिराज के पीछे जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भैया ध्वनिराज से अकेले निपट सकता है। वो खतरनाक आदमी लगता है, इसलिए आज चंडिका भी ध्रुव की मदद के लिए जाएगी, और मेरे ईयर प्लग में जो माइक्रोफोन लगा है वो मुझे बताता रहेगा कि भैया कहाँ जा रहा है। ध्रुव का पहला स्टॉप पुलिस हेडक्वार्टर था। उस पागल का मैसेज हमारे पास आ चुका है ध्रुव। उसने कल सुबह तक 50 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में खड़े एक स्टीमर पर भेजने को कहा है, वरना कल सुबह से वो राजनगर की इमारतों को तबाह करना शुरू कर देगा। अगर हमको पता होता कि वो ये सब हरकतें कहाँ से बैठकर कर रहा है तो। ओ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। क्या याद नहीं रहा ध्रुव, और तुम कहाँ चल दिए? लौट कर बताता हूँ सर। इस भाग दौड़ में मैं यूकलिप्स के जूते में चिपके उस पौधे को तो भूल ही गया था जिसे मैंने बॉटनिकल गार्डन के डॉक्टर जोशी को ये पता करने के लिए दिया था कि वो अजीब पौधा कहाँ पैदा होता है। मेरे ख्याल से अब तक उन्होंने ये पता कर लिया होगा। ध्रुव का ख्याल सही था, ये पौधा एक दुर्लभ किस्म का पौधा है ध्रुव, और ये सिर्फ पहाड़ों के ऊपरी भागों पर ही उगता है। यहाँ पर यह पौधा सिर्फ काली पहाड़ी पर ही मिलता है। काली पहाड़ी? यूकलिप्स ने मरने से पहले काल शब्द बोला था, शायद वो काली पहाड़ी ही बोलना चाहता था, यानी यूकलिप्स काली पहाड़ी से ही आ रहा था, और ध्वनिराज ने अपना अड्डा भी वही बना रखा है, यानी अब भैया काली पहाड़ी की तरफ जा रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि ध्वनिराज इस बात से ज्यादा देर तक अनजान नहीं रहेगा। मुझे भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ध्रुव तुरंत काली पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। पहले मैं खुद ये पता कर लूं कि ध्वनिराज का अड्डा काली पहाड़ी पर है या नहीं। उसके बाद मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। मैं पुलिस को गलत खबर देकर उनका ध्यान बटाना नहीं चाहता। श्वेता के अनुमान को ध्वनिराज सही साबित कर रहा था। ध्वनिराज, आपका ध्रुव पर नजर रखने वाला आइडिया बहुत सही था। लगता है कि वो इधर ही आ रहा है, यानी उसको किसी तरह हमारे इस अड्डे का पता चल गया है। मुझे इसी बात से डर लग रहा था, अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो 50 करोड़ तो क्या, 50 पैसे तक नहीं मिलेंगे। इसको अभी तुरंत रोकना होगा, और ये शुभ कार्य मेरी अल्ट्रासोनिक तोप करेगी। ध्रुव अपने ऊपर आने वाले खतरे से बेखबर नहीं था, पर उसे ये पता नहीं था कि खतरा कहाँ से और कैसे आएगा।
कल रात कर्कश के खत्म हो जाने से ध्वनिराज ये तो जान ही गया होगा कि मैं अभी जिंदा हूँ, और फिर वो मुझे मारने। ये कुत्ता अचानक कस के क्यों चिल्लाने लगा? ये जरूर ऐसा कुछ सुन रहा है जिसे मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, और अल्ट्रासोनिक तरंगे यानी ध्वनिराज फिर मुझ पर आक्रमण कर रहा है, पर कैसे? अपने आसपास देख रहे ध्रुव का ध्यान उस मूर्ति पर बिल्कुल नहीं था जिसके ठीक नीचे वो खड़ा हुआ था, और जब तक उसे खतरे का आभास होता तब तक टूटती मूर्ति के भारी टुकड़े ठीक उसके ऊपर गिरने शुरू हो गए थे। और इस बार आसपास लोहे का कोई पाइप नहीं था, और ध्रुव ने अपने होश व हवास काबू में रखे थे। ध्वनिराज ने मुझ पर जगह चुनकर हमला किया है, बचने का सचमुच कोई मौका नहीं है सिवाय एक रास्ते के। अगले ही पल ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल को हवा में उठा लिया, और मूर्ति के भारी टुकड़े ध्रुव के सिर पर गिरने के बजाय स्पेशल मोटरसाइकिल कला कला के अगले पहिए से टकराकर इधर उधर छितर गए। उफ, मौत से बाल बाल बचे, ये तो फिर बच गया ध्वनिराज। ये लड़का इतनी आसानी से खत्म हो सकता तो कब का मर चुका होता, पर मेरे पास और भीष्म दांव भी हैं। ध्वनिराज के इस हमले ने इस बात को पक्का कर दिया है कि मैं सही रास्ते पर बढ़ रहा हूँ, और इस बात को भी ध्वनिराज मुझे किसी तरह से देख भी रहा है, और जल्द ही वो मुझ पर हमला जरूर। अगले ही क्षण ध्रुव पर जैसे बिजली गिरी, लेकिन इस बार ध्रुव सतर्क था। कड़ाक तेजी से लहराते ही मोटरसाइकिल ने ध्वनि तरंगों के वार को साफ बचा लिया, लेकिन इस बार ध्वनिराज ध्रुव को सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहता था। ध्रुव पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार होते रहे, क्रॉस, पर एक बार भी ध्रुव तक नहीं पहुंच सका। युद्ध शुरू हो चुका था जिसमें एक तरफ सुपर कमांडो ध्रुव था जिसके पास सिर्फ आत्मबल और विलक्षण दिमाग था, और दूसरी तरफ एक ऐसा खतरनाक और ताकतवर व्यक्ति था जिसके लिए एक पूरे महानगर को भी धूल मिला देना कोई बड़ी बात नहीं थी। ओफ, एक तो इतनी दूर से सिर्फ एक आदमी को निशाना बनाना वैसे ही मुश्किल होता है, और ऊपर से ये सीधा चल ही नहीं रहा है, ये काफी रास्ता पार कर चुका है। अब इसको रोकने के लिए मुझे अपना निशाना बदलना पड़ेगा। ध्रुव ध्वनिराज के निशानों से बचता हुआ शहर के अंत तक आ गया था। नदी के उस पार से काली पहाड़ी का इलाका शुरू हो जाता है। ये पुल पार कर लेने के बाद मैं लगभग आधा रास्ता पार कर लूंगा। ध्वनिराज की धमकी के कारण आज इस व्यस्त पुल पर भी ट्रैफिक नहीं के बराबर है, इसे पार करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ध्रुव के पुल पर पहुंचते ही पूरा पुल एक भयंकर कंपन से कांपने लगा। ये एकाएक पुल को क्या हो गया? ये पुल तो भूकंपों के झटकों को भी आराम से सह जाता है। ये जरूर ध्वनिराज का मुझ पर दूसरा हमला। ध्रुव ने पूरी बात सोच पाने से पहले ही पोल के बीच का पूरा हिस्सा एक जबरदस्त कड़कड़ाहट के साथ पानी में गिरने लगा। ओ, तो ये है ध्वनिराज का प्लान, कड़ाक। लेकिन ऐसे बचकाने प्लानों से ध्वनिराज मुझे उस तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। हवा में गिरते कंक्रीट के टुकड़े पर से ध्रुव ने मोटरसाइकिल सहित एक जबरदस्त छलांग लगाई। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।